क्वालिटी बोलता है, इनका पैसा नहीं बोलता, क्वालिटी बोलती है बाइक्स की भाई। तो कंडीशन देखो एक बारी गाड़ी की, उसके बाद प्राइस का मतलब आइडिया लगाना। ये देखो गाड़ी कंडीशन देखो, उसके बाद समझ आता है प्राइसिंग। उसके अलावा एक और खड़ी है भाई यहाँ पे, इसका प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे खड़ी है भाई हंटर 350। अब हंटर 350 के प्राइस पहले दिखा देता हूँ। 1,38,000 रुपये, 3100 किलोमीटर चली हुई है, 2023 का मार्च का मॉडल है, C200, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में। कॉल कर लो, अपना बना लो, अच्छी है गाड़ी की, कहीं से भी आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्रैम 411। तो भाई इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो देख लेते हैं। लॉन्ग राइड के लिए कोई देख रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु, और जब फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नई वीडियो आप सभी के लिए बना के लेके आ चुका हूं, और आज की वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूं स्पोर्ट्स बाइक। बेसिकली आज आपको मैं कुछ इस टाइप की बाइक दिखाने वाला हूं, लाइक R15M दिखाने वाला हूं, जिक्सर दिखाने वाला हूं, MTs दिखाने वाला हूं, KTM भी दिखाऊंगा। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी बाइक्स हैं स्पोर्ट्स बाइक, जैसे होंडा की है, उसके अलावा जिक्सर भी है, और भी जिक्सर हैं, जावा की बाइक्स खड़ी हैं, रॉयल इनफील्ड की हंटर्स भी खड़ी हैं, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी बाइक्स वगैरह खड़ी हैं, स्कूटी भी खड़ी है, एक इलेक्ट्रिक ये खड़ी है और एक इलेक्ट्रिक ये खड़ी भाई, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे KTM का एक और एडवेंचर बाइक भी खड़ी है भाई, SD की बाइक भी खड़ी है पीछे, ठीक है। तो भाई ये काफ़ी सारा स्टॉक है, ये आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को पूरा जोर देखना, स्किप मत करना, साथ के साथ आप सभी को बताऊंगा कि डाउन पेमेंट कितने वाला आने वाला है इस बाइक को लेने के लिए बेसिकली, और क्या क्या लोन के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी लगभग 1.5 लाख की फैमिली कंप्लीट होने वाली है कुछ समय बाद, ठीक है। साथ के साथ वहाँ पे रेगुलर अपडेट में रहता हूँ, वहाँ पे रेगुलर वीडियोस, मेरी शॉर्ट वीडियोस आती रहती है, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। वहाँ पे मैंने अपना चैनल भी बना रखा है, ब्रॉडकास्ट चैनल, वहाँ पे भी डिटेल वाइज वीडियोस में डालता रहता हूँ। प्लस मतलब क्या होता है, समटाइम वीडियो हम शूट कर लेते हैं बट जल्दी मैं अपलोड नहीं कर पाता, समटाइम एडिटिंग की वजह से समटाइम हो जाता है कि लेट हो जाता है किसी न किसी कारण से, तो वहाँ पर रेगुलर अपडेट रहता है उन चीज़ों का, ठीक है। तो जल्दी से जाओ उसको फॉलो कर लेना, बाकी आज की वीडियो पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। अगर आप एक स्पोर्ट बाइक 1,50,000, 2,00,000 रुपये का बजट बना के चल रहे हैं, ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम R15 से लेके आते हैं, R15M आप सभी के सामने है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये बाइक है। गाड़ी का प्राइस जानते हैं, कौन सा मॉडल है देखते हैं। 2023 का मॉडल है भाई, दिसंबर का, 3600 किलोमीटर चली हुई है, 1,78,500 रुपये आस्किंग प्राइस है। अब प्राइस थोड़े से हाई अगर आपको भी लगते हैं तो भाई आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। बाकी मेरा मेन काम रहता है कि आप सभी लोगों तक ऐसी वीडियो लाना जो कि आपको एक आइडिया दे दे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। गाड़ी की अगर आप कंडीशन देखोगे तो भाई एक नंबर है भाई, कहीं से भी आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी बाइक है जैसे कि शोरूम से निकली हुई हो, तो उसी हिसाब से इसके प्राइस भी हैं। बाकी सब कुछ इसमें आपको डिटेल वाइज देखने को मिल जाता है भाई, काफ़ी बढ़िया डिटेल वाइज वीडियो में, इसकी नई गाड़ी की वीडियो मैंने बना रखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें जिक्सर SS की, तो ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है काफ़ी ज़बरदस्त लुक्स के साथ, कंडीशन गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, इस पर प्राइस टैग नहीं लिखा हुआ है। तो भाई गाड़ी का नंबर आप देख लो, तो स्क्रीनशॉट लेके आप कॉल कर सकते हो, नंबर वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आपको देखने को मिल जाएगा नंबर इसका, ठीक है। गाड़ी की कंडीशन जो है ना काफ़ी ओके रिपोर्ट है भाई, अगर मैं यहाँ पे जितना भी स्टॉक आप सभी को दिखाऊंगा ना तो गाड़ियों में कोई कमी नहीं मिलेगी। प्राइसिंग हो सकता है थोड़ा सा आपको हायर लगे, बट प्राइसिंग के को छोड़ के गाड़ी में कहीं पर भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम MT की, तो भाई ये MT खड़ी है, देखो क्वालिटी देखना भाई, क्वालिटी बोलता है, इनका पैसा नहीं बोलता, क्वालिटी बोलती है बाइक्स की भाई। तो कंडीशन देखो एक बारी गाड़ी की, उसके बाद प्राइस का मतलब आइडिया लगाना। ऐसा मतलब कंडीशन रहता है बाइक्स का कि जैसा कि नया नया आप शोरूम से निकलवा के लाए हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप घर पे लेके जाओगे ना तो लोग पूछेंगे भाई नई कितने की निकलवा के लाए हो, ऐसा कंडीशन है इन बाइक्स का। तो ये देख लेते हैं, 2024 अप्रैल का ही मॉडल आई देंगे, तो नया ही है, 300 किलोमीटर चली है सिर्फ, 1,78,500 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है, ठीक है। गाड़ी का नंबर मैंने दिखा दिया, कंडीशन देखो कितनी प्यारी कंडीशन है भाई, तो नया नया मॉडल बिल्कुल खड़ा है, 300 किलोमीटर चली है सिर्फ। तो भाई अगर आप प्लान कर रहे हो जल्दी से आओ इसको लेके जाओ अपने घर। अब इसके अलावा ये MT एक और खड़ी है जो कि थोड़ी मॉडिफाइड है, इसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ किया गया है, प्लस पीछे आपको बैक टेल बैक रेस्ट वगैरह भी लगा रखा है थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है, मेटल का, बाकी नीचे भी लगा रखा है इसमें सेफ्टी के लिए। अब प्राइस की बात करूँ तो ये इसका जो प्राइस है भाई वो 1,68,500 रुपये है, 2023 मई का मॉडल है, 6100 किलोमीटर चली है। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो भाई जल्दी से ले लो, क्योंकि सिर्फ 300 किलोमीटर चली हुई और मॉडल भी 24 का ही है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। अगर अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो फिर तो वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ ऐसी बाइक जल्दी निकल जाती हैं, तो जल्दी से अगर आप प्लान करो जल्दी बुक करो और लेके जाओ,
ठीक है। अब इसके बाद एक खड़ी है भाई यहाँ पे स्कूटी आई क्यूब TVS की, इसका भी स्टिकर नहीं लगा हुआ कितने प्राइस की है, बट अभी आई है आई थिंक, तो देख लो। कंडीशन काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, कहीं से भी आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन देख लो भाई गाड़ी की, कंडीशन की वजह से भाई मैं बार बार ग्रेजुएट मोटर्स पे आता हूँ, और मेरा यहाँ आने का कारण ही यही है कि यहाँ पे जो बाइक्स की कंडीशन मिलती है ना वो ज़बरदस्त मिलती है। प्राइसिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइसिंग लिटिल बिट हायर साइड हो सकता है, लेकिन आपको चीज़ जेन्युइन देखने को मिलती है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, किसी भी डीलर को, लेकिन क्वालिटी है भाई, क्वालिटी बोलती है। लुक्स देखो गाड़ियों की एक बार आप, और कंपेयर कर लेना मार्केट में जो बाइक आपको देखने को मिलती है उसके कंपैरिजन के हिसाब से बाइक की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे KTM भी है, ठीक है। तो इसका भी नंबर दिखाता हूँ, प्राइसिंग इस पर भी मेंशन नहीं कर रखा है अभी यहाँ पे, तो स्टिकर वगैरह नहीं लगा हुआ। बाकी अगर ये जितना भी स्टॉक है अभी न्यू अराइवल्स है, जिन पे लगा हुआ है वो थोड़ा बहुत पुराना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जिन पे स्टिकर नहीं लगा, न्यू अराइवल का मतलब है कि आजकल में ही इन्होंने स्टॉक इन किया होगा, इस वजह से इस पर स्टिकर्स नहीं लगे हुए हैं। अब ये वाला जो मॉडल है सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी, तो सोल्ड लिखा हुआ है। और कंडीशन देखो एक बारी बाइक की, भाई क्या ज़बरदस्त कंडीशन है, BMW 310 होगी ये, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है, इसलिए भाई जल्दी बिक भी जाती है। अलावा ये है जिक्सर, ठीक है। अब जिक्सर अगर आप देखोगे तो भाई जिक्सर की कंडीशन देखो कितनी ज़बरदस्त है भाई, कितनी बढ़िया कंडीशन में आपको मिलती है। इस कंडीशन में गाड़ियाँ मिलेंगी तो भाई बंदा पैसा क्यों नहीं खर्च करेगा। देखो इसका स्टिकर इसका भी नहीं लगा हुआ, तो अब ये भी नया स्टॉक इन किया होगा। उसके अलावा CV खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, और होंडा की गाड़ी है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन के साथ है। गाड़ी का नंबर है, टायर कंडीशन देख लो। इसका प्राइस हम देख लेते हैं आगे से एक बारी, तो स्टिकर्स देख लेते हैं कितने का प्राइस लगा हुआ है इसका। तो भाई 188,000 रुपये इसका आसमिन प्राइस है, ठीक है, और 5200 किलोमीटर चली हुई है, 2019 सितंबर का मॉडल है। कंडीशन देख लो गाड़ी की। इसके अलावा यहाँ पे खड़ी है भाई जावा की बाइक्स, तो ये है जावा 1,48,000 रुपये की, 8,000 किलोमीटर चली हुई है, 2021 का दिसंबर का मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन देखो एक बारी भाई पहले, उसके बाद प्राइसिंग लगाना। ये देखो गाड़ी कंडीशन देखो, उसके बाद समझ आता है प्राइसिंग। उसके अलावा एक और खड़ी है भाई यहाँ पे, इसका प्राइस देख लेते हैं। ये है 2021 का मॉडल सितंबर का, सिर्फ 347 किलोमीटर चली हुई है, 1,65,000 रुपये इसका आसमिन प्राइस है। कंडीशन गाड़ी की देख लो, तो कंडीशन के हिसाब से प्राइस है इनके ज़्यादातर। और उसके अलावा यहाँ पे खड़ी है भाई हंटर 350। अब हंटर 350 के प्राइस पहले दिखा देता हूँ, 1,38,000 रुपये, 3100 किलोमीटर चली हुई है, 2023 का मार्च का मॉडल है। कंडीशन देखो गाड़ी की भाई, टायर कंडीशन देखो, बॉडी कंडीशन देखो, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा भाई प्राइस क्यों मांगे हैं, ठीक है। तो कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाड़ियों का जो प्राइस है हल्का सा हायर हो सकता है, बट कंडीशन काफ़ी अच्छी गाड़ियों की। उसके अलावा एक और हंटर खड़ी है रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। इसके प्राइसिंग हम जान लेते हैं कितने हैं। तो ये गाड़ी है 1,66,000 रुपये की, 2022 का मॉडल, नवंबर का, 3400 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, तो देखो। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कीवे की एक बाइक, जो कि है 300N, ठीक है। और ये गाड़ी की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए हेडलाइट इसकी, इस पर भी स्टिकर नहीं लगा हुआ है, तो ये भी नया स्टॉकिंग किया होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन इस तरीके की है भाई। जिस जिस बाइक का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मॉडल दिखा रहा हूँ, अगर उसका प्राइस आपको नहीं दिख रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, और सीधे जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे कॉल करो और अपना बना लो, ठीक है। उसके अलावा ये है ओला की बाइक, ये है ओला, ठीक है, एंड 2024 का मॉडल है ये, और 2200 किलोमीटर चली है भाई सिर्फ। रजिस्ट्रेशन 2024 का होगा, ये R लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन 2024 का होगा, यानी कि जो मॉडल है ये 23 का हो सकता है। तो गाड़ी का नंबर लगा हुआ है, कंडीशन देख लो गाड़ी की, कॉल करो और पूछ लो। एक रॉनिन खड़ी है TVS की भाई, तो इसका देखते हैं क्या प्राइस है। कंडीशन देख लो, टायर कंडीशन देखो, गाड़ी बॉडी कंडीशन देख लो भाई, ये देखिए, और प्राइसिंग देख लीजिए आप, 1,36,000 रुपये है, 12,000 किलोमीटर चली है, 2023 जनवरी का मॉडल है। कंडीशन गाड़ी की अच्छी आपको उनको मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें KTM की एक एडवेंचर बाइक की, तो ये जो बाइक है भाई ये पड़ने वाली है आपको, 2020 का मॉडल है, और 2,53,000 रुपये इसका आसमिन प्राइस है। काफ़ी बढ़िया कंडीशन है गाड़ी की, ज़बरदस्त, और बाइक राइड के लिए भाई, लॉन्ग राइड के लिए कोई देख रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नहीं प्लान कर सकता तो ये वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। साइलेंसर वगैरह देखो, कंडीशन देखो भाई गाड़ी की, 390cc में आती है ये बाइक, वाइट एंड ब्लैक मैट कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे शाइनिंग मैट का ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। सीट का कुशन देखो कैसा है,
और यहाँ पे विंडशील्ड लगी हुई है काफ़ी बड़ी, तो लुक्स काफ़ी ज़बरदस्त है बाइक की। उसके अलावा अगर हम चले हैं ESD की बाइक्स को देखने के लिए, तो भाई ESD जावा, ESD और दो घड़ी हैं। तो ये देखो ESD का ये वाला जो मॉडल है, कंडीशन देखो एक बारी भाई, उसके बाद प्राइस देखते हैं, ठीक है। चमचमाता हुआ मॉडल, 168,000 रुपये का, 16 किलोमीटर चली हुई है, 2022 फेब का मॉडल है। तो भाई जो स्टिकर दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग पूछ सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो, वो आपका खुद का हक है भाई, अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये देखो कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं आपको और प्राइस का एक आइडिया दे रहा हूँ। उसके अलावा आप पैन इंडिया कहीं पर भी कंपेयर करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट बॉडी लाइन कंडीशन देख लेना कि इस कंडीशन में बाइक होनी चाहिए, उस हिसाब से प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला मॉडल अगर आप देखोगे तो ये वाला मॉडल भी काफ़ी ज़बरदस्त है, कंडीशन काफ़ी अच्छी है, देखो कंडीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये 2,25,000 रुपये का प्राइस है और 340 किलोमीटर के आसपास चली है, दिसंबर 2023 का, ठीक है। उसके अलावा एक और बाइक खड़ी है ESD की, ये खड़ी है 1,58,000 रुपये की है भाई और 1,457 किलोमीटर चली हुई है, 2020 अगस्त का मॉडल है। कंडीशन कुछ इस तरह की है इसमें, ठीक है। उसके अलावा भाई रॉनिन एक और खड़ी है यहाँ पे, तो ये रॉनिन की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, क्लीन कंडीशन है। गाड़ी के प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,42,000 रुपये, 2023 जनवरी का मॉडल है, 385 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ, बहुत कम चली हुई गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। तो ये कंडीशन देखो एक बारी, सीट कंडीशन, बॉडी कंडीशन, टायर कंडीशन, बॉडी कंडीशन से आपको पता चल जाता है गाड़ी कितने किलोमीटर चली होगी, टायर कंडीशन से आपको पता चल जाता है, टायर की कंडीशन देखोगे तो पता चल जाएगा कितना घिसी होगी। समटाइम जो लोग बोलते हैं कि भाई टायर वगैरह, मतलब कि गाड़ी का मीटर टेम्पलेट कर रखा होगा, पीछे कर रखा होगा, तो भाई टायर कंडीशन भी देख लेना कि कितना फ़र्क आपको लगता है, बाकी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह आप चेक करा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक हार्ले डेविडसन खड़ी है भाई, इसका प्राइसिंग तो आई थिंक नहीं लगा हुआ, बाकी मॉडल आपको दिख रहा है तो आप पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉल करो और इसकी प्राइस वगैरह आस्किंग कर सकते हो। कंडीशन कुछ इस तरीके की है। एक ये खड़ी है भाई KTM, ठीक है। कंडीशन देखो कितनी ज़बरदस्त है, मीटर दिखा देता हूँ एक बार यहाँ कितना चला हुआ है, तो 7,754 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, ठीक है। कंडीशन कुछ का इस तरीके की है और ये मॉडल का लुक देखो, लुक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। कॉल करो और आस्किंग करो, अच्छा सुनो, चलो चलो मिल गई भाई, ये रहा स्टिकर इसका, तो 2022 का सितंबर का मॉडल है, 1,85,000 RC 200, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में, कॉल कर लो, अपना बना लो। इसके अलावा एक है स्क्रैम 411, तो भाई इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो देख लेते हैं। गाड़ी के टायर कंडीशन देखो, गाड़ी बॉडी लाइन कंडीशन देखो, सीट कंडीशन, भाई गाड़ी चमचमाती हुई आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग देख लेते हैं, 1,98,000 रुपये, 6,500 किलोमीटर चली हुई है, 2022 सितंबर का मॉडल है। तो भाई कंडीशन आप सभी के सामने हैं, मॉडल्स मैंने आप सभी को दिखा दिए हैं। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी और भी स्टॉक है, सामने भी इनका ऑफिस है, बगल वाला भी इनके पास एक और शोरूम है, तो भाई मल्टीपल स्टॉक है इनके पास बहुत सारा। अगर आप बुलेट देख रहे हो या कुछ और देख रहे हो तो सब कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी वीडियो बनाई है बट इसमें मैंने आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी की बाइक्स दिखाई हैं। प्राइसिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट मेरा जो मेन मोटिव है, आप सभी लोगों तक मॉडल के प्राइस जो मार्केट के चल रहे हैं उसका आइडिया देना, प्लस जो क्वालिटी है वो दिखाना कि भाई हाँ इस कंडीशन में इसका ये प्राइस है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हो या फिर इंडिया के किसी कोने में भी रहते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसका जो प्राइसिंग है वो इस के बकेट में जा रहा है, मतलब इस बजट के अंदर है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी आप आइडिया लगा सकते हो। तो गाइस, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।